जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अजीत फौजी सुंगरपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम स्पोर्ट्स एकेडमी तोसम। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक यूएचक्यू इनरोलमेंट की भर्ती है। ये जो भर्ती है वो मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर, जिसको एमईजी सेंटर भी बोलते हैं, वो करेगा इस भर्ती को। ये जो भर्ती शुरू होने वाली है 26 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। 26 दिसंबर को सुबह 4:30 बजे रिपोर्ट करनी है, सुबह 4:30 बजे, याद कर लेना 26 दिसंबर 2020 को। जो भी बच्चे हैं उनको रिपोर्ट करनी है। अब ये भर्ती जो है किस किस की होगी, ये सोल्जर जीडी एंड सोल्जर टेक्निकल की है और सोल्जर ट्रेडमैन की है। अभी इसमें सोल्जर जीडी के लिए ऑल इंडिया ऑल क्लास AIAC, इसके अंदर क्या है, ये वार्ड्स की भर्ती है ओनली, MEG ओनली। इसका मतलब ये है दोस्तों कि पूरे भारत के किसी भी जाति से जो लोग मद्रास इंजीनियर से ताल्लुकात रखते हैं उनके लड़के भर्ती देख सकते हैं। ये जिनके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो सर्विंग हैं चाहे वो रिटायर हैं, अभी जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, उनके बच्चे या उनके भाई जो भी हैं वो सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। ये ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको है, ये भर्ती उनके लिए की जा रही है। और उसके अलावा जो अदर हैं, अदर जिनके पास पूरे भारत से जो हैं, जिनके पास दूसरे उनका रिलेशन है ग्रुप का, तो उसमें किस किस के लिए बता रखा है, वो ओनली साउथ जोन के लिए है। जो साउथ जोन में जो स्टेट आती हैं वही रिलेशन के बच्चे इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। कौन से, सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल के लिए साउथ जोन के, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा एंड यूटी ऑफ पांडिचेरी, अंडेमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी बच्चे हैं जो अदर कोर्से हैं और रेजिमेंटल सेंटर से ताल्लुकात रखते हैं रिलेशन के बच्चे, वो ये भर्ती देख सकते हैं। उनके लिए सिर्फ साउथ जोन के लिए और MEG वार्ड्स के लिए सोल्जर, बाकी नई स्टेटों के नहीं जा सकते मेरे भाई। हाँ, ये नोट कर लेना, ठीक है। बाद में वीडियो देखते नहीं है, बाद में पूछते रहते हैं किसकी भर्ती किसकी नहीं, तो आप वीडियो को ध्यान से देख लेना। यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि सोल्जर जीडी और सोल्जर टेक्निकल के जो हैं फर्स्ट प्रायोरिटी वार्ड्स MEG को ओनली, MEG के जो पूरे भारत से ताल्लुकात रखते हैं, और दूसरा जो अदर हैं जिनके पास अदर सेंटर या कोर्स का रिलेशन है वो सिर्फ साउथ जोन के आ सकते हैं। मैंने स्टेटों के नाम बता दिए हैं। उसके अलावा सोल्जर जो ट्रेडमैन है उसके अंदर आपकी वैकेंसी बता रखी किस किस की है, जो आपका रसोईया है मैस का, उसके बाद स्टेवार्ड है जो मैंने आपको बताया था, प्रबंधक, मैस कीपर वगैरह, जो स्पोर्ट्स स्टाफ होता है ER बोलते हैं, उसके बाद जो हाउस कीपर वगैरह हैं और वाशरमैन हैं, ये जो हाउस कीपर और वाशरमैन वगैरह वो 8वीं पास भी हो सकते हैं। और इसके अंदर जो ये भर्ती है ये वार्ड्स ओनली MEG के लिए जाएंगे, ठीक है भाई। ये यहाँ पर नोट कर लेना, जो MEG से ताल्लुकात रखते हैं ट्रेडमैन में वो ही जाएंगे, सिर्फ MEG वार्ड्स के हैं, तो ये यहाँ पर नोट कर लेना। और इस सेंटर में जो शेड्यूल है वो बताएगा, ये सभी लड़के सुबह 26 दिसंबर 2020 को सुबह 4:30 बजे रिपोर्ट करें। इनके इनिशियल डॉक्यूमेंट और रिलेशन सर्टिफिकेट वगैरह चेक किए जाएंगे पहले, और उसके बाद इनका जो PFT और PMT होएगा 0700 आवर्स पर उसी दिन, ठीक है। और ये प्रोसेस जो लगातार है 26 से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा 2020 तक, 26 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इनका PFT और PMT चलेगा। इनके इनिशियल डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उसके बाद जो लड़के डॉक्यूमेंटों में रिजेक्शन हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे वो सभी बाहर हैं। उसके बाद जो बच्चे बच गए उनके लिए 1 जनवरी नया साल 2021 को उनको मेडिकल के लिए RMDS नंबर वगैरह दिए जाएंगे जो PFT और PMT में सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद 27 फरवरी 2021 को उनको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, और आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो 28 फरवरी 2021 को लिया जाएगा इस सेंटर में। ये जो सेंटर आपको बता दिया मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में है ये जो भर्ती होएगी, और 26 दिसंबर 2020 से भर्ती शुरू है। और ये बता दिया किस किस को जाना है इस भर्ती में, किस किस की वैकेंसी है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो। उसके बाद जिस भाई को भी डॉक्यूमेंटों के बारे में जानना है तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, हम बता दें
देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और उसके बाद जिसको एज के लिए एज कट ऑफ वगैरह जानना चाहते हैं तो भाई सोल्जर जीडी के लिए 17.5 से 21 साल है, जो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक के बीच होना चाहिए सोल्जर जीडी के लिए, और सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। ये आपकी जो एज कट ऑफ रखी गई है इस सेंटर के लिए, तो मेरे भाई कई पूछते रहते हैं एज कट ऑफ क्या है, और जो बता रखा है कि जो भी मेरे भाई इस सेंटर में जा रहे हैं वो अपने सभी डॉक्यूमेंट पहले से कंप्लीट करवा कर लेकर जाएं, ताकि कोई उनको दिक्कत नहीं हो, भर्ती से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए पहले नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। और जो मेरे भाई उसके अलावा जो भी हैं उनको अपनी जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी बता रखी है, प्रायोरिटी किस किस को मिलेगी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी तो एमईजी सेंटर को ही मिलती है, आपको पता है जो वार विडो वगैरह होते हैं उनको। उसके बाद इसमें ट्रेडमैन की वैकेंसी भी बताई गई है, जो आपकी सैप की है वो एक ही वैकेंसी है टोटल कुक की, स्टेवर्ड की 3 हैं, उसके बाद जो ईआर हैं स्पोर्ट्स स्टाफ जो उनको बोलते हैं उनकी भी 3 हैं। सबसे ज़्यादा इसमें वाशरमैन की हैं दोस्तों, वाशरमैन की 16 वैकेंसी हैं, और उसके बाद हाउस कीपर, जो हाउस कीपर का दूसरा नाम सफाई वाला भी होता है ये, तो ये इसकी 8 वैकेंसी हैं, और मैस कीपर की 2 हैं। तो ये जो हाउस कीपर और मैस कीपर के लिए 8वीं पास चलेगा, और बाकी वाशरमैन वगैरह के लिए 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, जो ऊपर कुक वगैरह के लिए। और इनके लिए उम्र आपको बताए दी, सोल्जर जीडी के लिए 17.5 से 21 साल, सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल, सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 17.5 से 23 साल, एज कट ऑफ आपको पहले बता दी गई है। तो इस प्रकार से जो भी मेरे भाई इस भर्ती में जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट मौका है, खास करके साउथ जोन के रिलेशन के बच्चों के लिए और एमईजी के बच्चों के लिए। यहाँ पर ये भर्ती निकल कर सामने आई, आपको जानकारी दे दी गई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल पर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। आप सभी ने जो प्यार और सहयोग दिया हमारे चैनल को, उसके लिए मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। आपका भाई अजीत फौजी, जय हिंद जय भारत दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।